जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की एक यूनिट जिसमें कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें या गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, दोस्तों आपके सिलेबस में ये यूनिट जरूर होगा। लखनऊ में यूनिट 3 है और आपका ये सवाल जरूर होगा कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, इनकी कॉन्सेप्ट क्या होती है, इनका अवधारणा क्या है, इनकी अर्थ क्या है, इनको क्लासिफाइड विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनको कई कैटेगरीज में बांटा गया है। वो क्या कैटेगरीज थे और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को। और दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड क्या होता है, इनकी पहचान कैसे की जाती है, ये तमाम सवाल है जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी दो यूनिट जैसे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, अक्षमता के कारण कितने तरीके के डिसेबिलिटीज होते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, क्या विशेषताएं होते हैं, कैसे पहचान की जाती है और क्या शैक्षिक नीड्स, एजुकेशन नीड यानी कि शैक्षिक जरूरत होती है ऐसे बालकों की, मेंटल डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज, फिजिकल और लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बिना किसी देरी के दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे ये फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, वो क्या है दोस्तों कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाएगी, इसकी अर्थ, इसकी अवधारणा, इसकी परिभाषा क्या है और इनके कितने प्रकार के होते हैं। और एक पॉइंट देखेंगे प्रतिभाशाली बालक, सवाल आपसे जाएगा कैसे पूछ लेगा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की यानी गिफ्टेड चाइल्ड्स की आप व्याख्या करिए, इनकी इनकी विशेषता, इनके गुण और इसके बारे में प्रकाश डालिए, इस तरीके से सवाल पूछता है। तो हम यहाँ पे हम यही देखने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स का मतलब होता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वास्तव में होता है क्या, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, वे बालक जो अपनी योग्यताओं से, अपनी क्षमताओं से, व्यक्तित्व एवं व्यवहार के द्वारा अपने उम्र के बच्चों से या तो अधिक या तो कम या बच्चों से भिन्न होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं। इन बच्चों का मानसिक विकास इतना अधिक होता है कि वो आगे निकल जाते हैं और या फिर इतना कम होता है कि वो अन्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। इन दोनों स्थितियों में इस प्रकार के बच्चे को अलग प्रकार से शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है और इसी ऐसी बालकों को हम कहते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। समझ में आया आपको, यहां समझिए, देखिए रटने वाली बात नहीं, इस लेक्चर का यही फायदा होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एग्जाम्स में आपको वर्ड टू वर्ड को लिखना नहीं है, जो आपने समझा वही लिखा है। तो चलिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जिनका विकास दूसरों से भिन्न होता है, अर्थात ऐसे बालक जिनकी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट इतना अधिक हो जाता है या फिर इतना कम, इतना अधिक हो जाता है कि वो सामान्य बालकों से अच्छे हो जाते हैं, या फिर उनका ये तीनों विकास, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इतना कम रहता है कि वो अन्य बालकों से पीछे रह सकते हैं। अर्थात वे बालक जो अपने विकास स्तर से दूसरे बालकों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है और ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक, द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सामान्यता अपने शब्दों में आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या कर देंगे। कुछ महानुभावों ने भी इसकी व्याख्या करी है, कैसे, जैसे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हो। द टर्म एक्सेप्शनल इज अप्लाइड टू ट्रेड्स और टू अ पर्सन पोसेसिंग द ट्रेड्स बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल रिसीव्स स्पेशल अटेंशन फ्रॉम हिज फेलोज। उस फेलो से वो क्या करें, विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, एक विशेष अटेंशन उसका। ये बेस्ट परिभाषा है कि ने कहा था कि विशिष्ट बालक वह बालक है जो किसी एक अथवा कई गुणों से की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न हो या अलग, ठीक है, जो बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं, इनफ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। द एक्सेप्शनल चाइल्ड इज वन हु deviates or varies from the normal by considerable amount in respect of any or a number of traits. किसी भी गुण के आधार पर वो क्या हो, सामान्य बालकों से अलग हो, तो they known as the children with special needs, right? अब देखिए, विशिष्टता के कुछ कारण भी हो सकते हैं, कई कारण से बच्चे विशिष्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए,
जन्म से पूर्व वो जिस अवस्था में थे उस अवस्था में उनके साथ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण वो विशिष्ट हो गए, मतलब उनको स्पेशल नीड्स है। जब हम स्पेशल नीड्स के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे बच्चे जो या तो बहुत तेज सोचते हो या बहुत धीरे सोचते हो, या ऐसे बच्चे जो बहुत तेज दौड़ते हो या बिल्कुल चलने में असमर्थ, इस तरह की बात। ठीक है, जन्म के समय हो सकता है कुछ ऐसे कोई नस दब जाना, कोई अंग दब जाना, इस तरीके से कोई घटना हो जिससे फिर उनको आगे की शिक्षा में एक विशेष आवश्यकता की जरूरत हो, तो इस तरीके के बच्चे को हम कहते हैं विशेष आवश्यकता वाला। क्या कारण होते हैं जन्म से पूर्व? कुछ कारण हो सकते हैं जन्म के समय या जन्म के पश्चात। मान लीजिए उनको पोषण सही से नहीं मिला, उनका खान पान, उनका परिवार, जिस समाज में रहते हैं वो उसके ऊपर प्रभाव करता है। तो ये सारे वो प्रभाव है जिन्हें उन्हें विशिष्ट बालक बना देता है। कुपोषण, दुर्घटना कोई हो जाना, ठीक है, वंशानुक्रमीय कारण, कुछ ऐसे वंशानुक्रम होते हैं। जैसे आप देखें ना, वो बच्चे उनके चलने या फिर फिजिकली उतने फिट नहीं होते, या फिर कुछ बच्चे फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होते हैं। ठीक है, जैसे पापा बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, बच्चे बहुत अच्छे फुटबॉलर बन गए, या फिर कुछ बच्चे पापा भी नहीं खेले और बच्चे भी नहीं खेले, इस तरीके से चीजें होती हैं। चलिए, और कुछ संक्रमण रोग हो जाता है, कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे बच्चों की फिर आगे पढ़ने के लिए उन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। अब इनको आप पहचान कैसे करेंगे? कई तरीके हैं पहचान के। व्यवहारात्मक अनुकूलन, उनके बिहेवियर को आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चा कैसा है। ठीक है, तो ये भाई इसको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में पूछेगा तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब मैं वन टू वन वर्ड बाई वर्ड इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं। निरीक्षण द्वारा आप इंस्पेक्शन करेंगे, आप जा जाके देखेंगे इसका व्यवहार कैसा है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा बालक श्रेष्ठ बालक है। शैक्षिक परिणामों के आधार पर, कुछ बच्चे ने रिजल्ट बहुत अच्छा कर लिया, आप समझ जाएंगे कि भैया ये तो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, गिफ्टेड है, क्रिएटिव है, इस तरीके के बच्चे मंद बुद्धि है। ठीक है, जो कम आ गया तो भाई उसको भी स्पेशल नीड्स की जरूरत है। मेडिकल टेस्ट के द्वारा, मानसिक परीक्षण, मेंटल टेस्ट के द्वारा और इंटरव्यू के द्वारा भी आप बातचीत करके भी समझ सकते हैं कि बच्चे की क्षमता क्या है, क्या वो विशिष्ट बालक है कि नहीं। तो ये वो तरीके हैं, ये वो मेथड्स हैं जिससे आप उसको क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते। चलिए, लास्ट पॉइंट है अक्षमता, अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार, डिसेबिलिटीज, मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स। इसके बाद हम देखेंगे गिफ्टेड क्या है, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। घबराइए मत, अच्छा था, ये सवाल पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि नए शब्दों में, बिल्कुल वो शब्दों में जिसको आप कल एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, घबरा तो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश मीडियम वालों आप ट्रांसलेट तो कर सकते हो, कोई ज्यादा समस्या हो तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, इसके पीडीएफ डायरेक्ट आप स्क्रीन को वो कर लें, ट्रांसलेट कर लें। बाकी चलो मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंग्लिश में समझा सकूँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, टेलफोर्ड सावरी एंड सर्सिल ने कहा था कि विशिष्ट एवं असाधारण बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से असाधारण रूप में अलग होते हैं। शिक्षा कोष के शब्दों में, वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक आवश्यकताओं में औसत से विशिष्ट हो तथा विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी क्षमता के विकास की उच्चतम सीमा पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण अथवा विशिष्ट बालक कहलाते हैं। वो क्या कहते हैं, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए एक और डेफिनेशन देखेंगे हम। कुछ सैंक ने कहा था, एक विशिष्ट बालक वह होता है जो दैहिक, बॉडी से, बौद्धिक, दिमाग से एवं सामाजिक लक्षणों में अपसारित, मतलब डाइवर्जेंट हो, डाइवर्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा सोचता हो, सामान्य बुद्धि एवं विकास में इतना भिन्न हो कि सामान्य कक्षा में कार्यक्रम से लाभ नहीं उठा सकता तथा विद्यालयों से विशिष्ट व्यवहार की आवश्यकता होती है। मतलब वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि उसे कुछ विशिष्टता की चाहिए, नॉर्मली उसे कोई फायदा नहीं, या फिर उसे इतना कमजोर है कि आप जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं वो नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा, उसे कुछ स्पेशल हेल्प चाहिए। ऐसे बच्चे क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक या फिर असाधारण बालक कहलाते हैं। द मेन टॉपिक इज विशिष्ट बालक के प्रकार। देखिए जी, शारीरिक रूप से विशिष्ट, मानसिक रूप से विशिष्ट, और यहाँ पे वो कर लीजिएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा शैक्षिक रूप से। ठीक है, शैक्षिक रूप से विशिष्ट, ठीक है, सामाजिक रूप से, इंग्लिश मीडियम, फिजिकल स्पेशल चाइल्ड, मेंटल स्पेशल चाइल्ड, लर्निंग स्पेशल चाइल्ड या फिर सोशल स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज, मेंटल डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिसेबिलिटीज और सोशल डिसेबिलिटी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, फिजिकल मेंटल, एजुकेशनल या लर्निंग, और इसको कहते हैं सोशल। ठीक है, शारीरिक रूप से कुछ बच्चों में कैसे विशिष्टता हो सकती है, कैसे स्पेशल उनको चीजों की जरूरत हो सकती है, बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम हो, और गत्यात्मक अक्षम बालक, मतलब जिसकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो। ठीक है, मानसिक रूप से प्रतिभा संपन्न, कोई बच्चा बहुत ही गिफ्टेड है, प्रतिभा संपन्न है, कोई बहुत ही क्रिएटिव है,
कोई मानसिक मध्य बालक है, मतलब कुछ ऐसे बच्चे जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब स्लो काम कर रहा है। शैक्षिक डिसेबिलिटीज का मतलब सीखने में कहाँ कहाँ डिसेबिलिटीज हो सकती है इसके बारे में अगर हम बात करें, शैक्षिक डिसेबिलिटीज जिसको हम कहते हैं, जरा ये नजर उस पर डालते हैं। शैक्षिक द्विक बालक वो बच्चे जो धीरे धीरे सीखते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक वो बच्चे जो बहुत ही पिछड़े, मतलब उनके लेवल के बच्चे बहुत आगे जा चुके हैं तो वो अभी वो नहीं सीख पाए हैं। सीखने में अयोग्य बालक वो बच्चे जो बिल्कुल सीख ही नहीं पा रहे हैं, सीखने में अयोग्य बालक है उसको क्या कहेंगे, शैक्षिक रूप से विशिष्ट कहेंगे। सामाजिक रूप से कुछ सामाजिक बालक जो बच्चे में गलत, समाज में गलत चीज फैलाते हैं, बाल अपराधी, ठीक है, विचलित बालक, नशे के आदि बालक, सर्वात्मक रूप से विचलित बालक, इस तरीके के बच्चे किसमें आएंगे, सामाजिक विशिष्ट रूप से आएंगे। सवाल देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आपसे पूछता है कि प्रतिभा संपन्न बालक से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं, इनकी पहचान और इनके लिए की गई शैक्षिक उपाय बताइए। ठीक वैसे ही सृजनात्मक बालक, बालक मंदिर और इसमें से भी कुछ, तो ये सारे क्या इंपोर्टेंट है वन बाय वन करके देखेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो जो टाइप्स है वही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे आपका टॉपिक प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2019 और 2022 में पूछा गया सवाल है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पाएंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर में 2019 और 2022 में पूछा गया सवाल है कि प्रतिभाशाली बालक कुछ भी पूछ लेगा, प्रतिभाशाली बालक का अर्थ विशेषताओं पर बात कर लेंगे, पर अर्थ पहचान और शैक्षिक नीति कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दो सवाल लगातार पूछे गए हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, वो बच्चे जो कि बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, ऐसे बालक को मेघावी छात्र भी कहते हैं। जिन बालकों की उच्च लब्धि मतलब क्या कहते हैं आईक्यू लेवल, उच्च बुद्धि होने के कारण उन्हें विशिष्ट बालकों में रखा गया है। ये बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं, बिल्कुल ये बालक की अलग विशेषता होती है जिनके कारण इनके अलग बालकों से अलग रखा जाता है। उसी के अनुरूप इन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है जो बालक के मानसिक आयु में अपनी आयु के वर्ग सभी बालक से बौद्धिक क्षमता रखते हैं, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। मतलब देखिए अपनी आयु के हम उम्र के बच्चों से अधिक बौद्धिक क्षमता रखते हैं, अधिक मेंटल कैपेसिटी रखते हैं, अधिक मेंटल एबिलिटी रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। कुछ टर्म आप लिखिएगा, कुछ टर्म आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है। आप ये लिखिएगा कि सामान्य बालकों की आईक्यू लेवल 90 से 110 होती है, क्या लिखेंगे, 90 से 110 होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लगती, जिनका आईक्यू लेवल 120 से ऊपर होता है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे एग्जामिनर आपको क्या कहेगा, समझेगा कि यहाँ पर 120 से ऊपर वाले बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों, गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, गिफ्टेड चाइल्ड बच्चों के लिए आप क्या टीचिंग मेथड या टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे उस पर जरा प्रकाश डालते हैं। तो देखिए सामान्य बालक के साथ वो तो पढ़े गए, लेकिन हमें उनको थोड़ा सा स्पेशल भी ट्रीट करना है, स्पेशल तरीके से भी पढ़ाना है। चलिए प्रतिभाशाली बालक शिक्षा के एक विषय में हैविंगस्टन ने अपनी पुस्तक अ सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना है। क्या विकास करना है, पहला है दोस्तों व्यापक तथा विस्तृत पाठ्यचर्या की व्यवस्था, फैसिलिटी ऑफ कॉम्प्रहेंसिव एंड डिटेल करिकुलम। आप जिस चीज को सामान्य बालकों को पढ़ा रहे हैं उसी को आप डिटेल्स में और कॉम्प्रिहेंसिव में व्यापक रूप में बच्चे को पढ़ाइए। सामान्य बच्चों की तुलना में आप उसे ज्यादा एक्सप्लेन करिए, उसे ज्यादा समझाइए, उसे और आगे सीखने का मौका दिए, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए सामान्य बालकों की तुलना में पाठ्यक्रम अधिक व्यापक और विस्तृत होना चाहिए, अधिक कॉम्प्रहेंसिव और अधिक डीप होना चाहिए, इससे अधिक तथा कठिन विषय होने चाहिए ताकि वो अपनी बुद्धि शक्ति का पूरा उपयोग कर सके। मैथ ही दे रहे हैं आप, मैथ का वही टॉपिक सबको दे रहे हैं, लेकिन आप उसे थोड़ा सा और टफ दीजिए, थोड़ा और ताकि वो और ज्यादा सीखे और अपने आप को इम्प्रूव करे, ठीक है। पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए, उसकी मौखिक योग्यता, समान मानसिक योग्यता तथा तर्क चिंतन, लॉजिक रीजनिंग, ये सारी चीजें उसकी बढ़े और इस प्राप्त की खोज, स्वतंत्रता, मतलब लीडरशिप, एक नई नई चीज उसको सिखाने की बात की जाए। तो पहला क्या था, पहला व्यापक पाठ्यक्रम, दूसरा क्या भाई, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान, आप उसको पर्सनली भी ध्यान दीजिए। बहुत बच्चे जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो बदमाशी करने लगते हैं, तो आपको पर्सनली उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्या भाई, टीचिंग स्ट्रेटेजी है। दूसरा पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता, उसको उसके साथ कुछ और क्रियाएं दीजिए, जैसे अगर डांस में अच्छा हो, सिंगिंग में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, लीडरशिप में अच्छा हो, स्पीच में अच्छा हो, जो जिसमें भी वो अच्छा हो उसके साथ और क्या करिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं उसको दीजिए,
को करिकुलर एक्टिविटीज को करने के लिए कीजिए। बिल्कुल सही, नवीन विशिष्ट शिक्षण विधि है, नए नए टीचिंग मेथड्स लेके आइए। जैसे कभी कभी उसी को कह दीजिए कि आओ ये टॉपिक पढ़ाओ, आओ ये टॉपिक समझाओ, या फिर किसी दूसरे क्लास में जाकर समझाओ, तो ज्यादा से ज्यादा काम है। नए टीचिंग मेथड से उसे पढ़ाइए, योग्य अध्यापकों द्वारा उसे शिक्षित कीजिए, वो टीचर जो हाई एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका है उसके द्वारा उसको पढ़ाइए। और नई नई, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 11th में 12th में 10th में बहुत एक्टिव है, बहुत पढ़ने के लिए जाए, तो उसे नई नई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जानकारी दीजिए, यूपीपी CHSL CGL इस तरह के एग्जाम्स के बारे में बताइए, उससे वो क्वेश्चन सॉल्व कराइए। ये कब पॉसिबल है, जब टीचर उस लेवल का होगा तब। उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसे दीजिए कि अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ जा रहा है तो अपने 10 ऐसे दोस्तों को तुम्हें ये टॉपिक समझाना है। उस तरीके से कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, बच्चे नहीं आ रहे हैं उन्हें कन्विंस करना है, कुछ भी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, एग्जाम सारे बच्चे अटेंड कर, इस तरीके की उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। उस बच्चे के लिए कुछ पुरस्कार और छात्रवृत्ति की व्यवस्था करिए ताकि उसको स्कूल आने में अच्छा लगे, उसे और ज्यादा समझ में आए। उसको एक लीडरशिप की ट्रेनिंग दीजिए, नेतृत्व प्रशिक्षण दीजिए, और उसको कल्चरल सांस्कृतिक शिक्षा भी दीजिए। और लीडरशिप की ट्रेनिंग में क्रो एंड क्रो ने कहा था, क्योंकि हम प्रतिभाशाली बालक से नेतृत्व की आशा करते हैं, इसलिए उसे विशिष्ट परिस्थितियों में नेतृत्व का अवसर एवं प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, शिक्षा संस्कृति की शिक्षा दीजिए। हॉलिंगवुड ने कहा था कि प्रतिभाशाली बालकों को अपनी संस्कृति के विकास की शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि वो समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सके। समझ में आ गई बात दोस्तों? ये ऐसे टॉपिक थे, बहुत आसान टॉपिक थे, समझने वाले टॉपिक थे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आपको बहुत रटना है, एक बार आपने देख लिया समझ लिया। इसकी PDF में डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से ज्वाइन करिए, मैं वहां पर भेज दूंगा। एक बार और पढ़ लेंगे ना, फटाफट से एग्जाम हो, और याद रखिए यहाँ से आपको एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा। अब इसके अलावा दो तीन और टॉपिक रहते हैं, जैसे क्रिएटिव बच्चे, जिसको हम क्रिएटिव को कहते हैं सृजनात्मक बच्चा बच्चा, और मंद बुद्धि बालक, मेंटली डिसेबल स्टूडेंट, इसके अलावा जो श्रवणवादी दृष्टिवादी, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों, बहुत रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। इंस्टाग्राम दोस्तों, इंस्टाग्राम आजकल तो सारे बच्चे चलाते हैं, मतलब ऐसे रील्स देखते हैं, एक अच्छे आदमी का फॉलो कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ये मेरी इंस्टा अकाउंट है, मुझे बहुत खुशी होगी आप यहाँ पे फॉलो करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा जरूर इंस्टाग्राम पे, और खास रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए। मैं टाइम बता दूं, अभी 1:08 हो रहा है रात के, और इस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे काम करना पड़ता है, रात को मुझे टाइम मिलता है, तो मैं इस समय बना रहा हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आए। नहीं भी आए, पसंद आए, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइए, और इस इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप हमें जुड़िए ताकि मैं आपको PDF दे दूँ और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करिए। यही आपकी फीस होगी, यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी। पसंद आइए तो अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों तक, खास दोस्तों तक शेयर करिए, वो तो बुरा भी नहीं मानते, और मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।